प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की 83 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके साथ ही वे मुख्य मंदिर के पास 30 करोड़ रुपए में बनने वाले पार्वती जी मंदिर का भी शिलान्यास करेंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वानों द्वारा श्लोकाचार के साथ लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और लाल कृष्ण आडवाणी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। पीएम मोदी ने जय सोमनाथ के घोष के साथ लोकार्पण कार्यक्रम की शुरुआत की और कहा, मैं भले ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हूं, पर मन से खुद के भगवान सोमनाथ के चरणों में होने का अनुभव कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य ही है कि इस पुण्य स्थल की सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। इसके साथ ही उन्होंने सोमनाथ के बहाने आतंकियों पर निशाना साधते हुए कहा कि दहशतगर्दी के दम पर साम्राज्य खड़ा करने वाली मानवता को ज्यादा दिन दबाकर नहीं रख सकते। ये आज भी विश्व के सामने आह्वान कर रहा है कि सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता है, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता है। सैकड़ों सालों के इतिहास में इस मंदिर को कितनी ही बार तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी बार गिराया गया वो उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। उन्होंने आगे कहा, भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं विश्व के लिए विश्वास और आश्वासन है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता है। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतंकी सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। और भी इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।